नेक्स्ट ये कहता है वेव, हम लोग पास एक वेव है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई आर मीटर एंड टी इन सेकेंड, वेव ट्रेवलिंग, वेव किधर जा रही है। अब मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि ऐसे कैसे चेक करते हैं वेव किधर जा रही है, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव किधर जाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, क्योंकि जो एक्स है और टी है उसके जो साइन है वो अपोजिट है, और जब इनका जो स्पीड निकालोगे प्यारे बच्चों तो वो जो स्पीड है वो निगेटिव आएगी, और निगेटिव स्पीड में वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है। अब इसको थोड़ा यहाँ उल्टा करके लिखा है, एक्स को पहले लिख दिया तो माइनस ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे लिखा है, इस फॉर्मेट में लिखा है, बराबर है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इस फॉर्मेट में स्पीड निकालोगे तो कोफिशियंट ऑफ टी, कोफिशियंट ऑफ टी माइनस ओमेगा और कोफिशियंट ऑफ एक्स के, दिस इज द ओमेगा अपान के, निगेटिव आया, तो अगर ये निगेटिव आया तो स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, और वैसे भी यार जब तुम अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे तो तुम ये स्पीड निकालोगे ना, यहीं देख के लगा लोगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो है वो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाती है, ये कभी सही नहीं हो सकता, ये कभी सही नहीं हो सकता, दो ऑप्शन गए। बाकी हमें फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है और लैम्डा भी निकालना। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैसे निकाले जाए, कंपेयर कर दो के इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में कंपेयर कर दो, तो के जो होता है वो 2 पाई लैम्डा के इक्वल होता है, और यहाँ पर के की वैल्यू 10 पाई के बराबर है, तो पाई ने पाई को मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2/10 मतलब 0.2 मीटर वेवलेंथ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 0.2 इसमें भी है, 0.2 इसमें भी, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक काम करो, ओमेगा को कंपेयर कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो 2 पाई ने 2 पाई को 2 ने 2 नो मतलब फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 हर्ट्स, मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्स दिया जो कि गलत है, मतलब ए ऑप्शन सही है, बराबर है।